नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ ट्रेडिशनल रेसिपी गुलगुलों की शेयर करने वाली हूँ। गुलगुले जो कि बड़े बच्चों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, आज मैं इसे बिना फ्राई किए और बिना चीनी के साथ बनाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आपके बच्चे अगर डोनट्स की ज़िद करते हैं तो एक बार आप इस तरीके से गुलगुले बना के उन्हें खिलाएँ, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। उम्मीद है आपको भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो आइए मिलके बनाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले आप वो कर लें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए बनाते हैं। ये गुलगुले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये आधा कप गुड़ लिया है, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और ये आधा कप ही पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और गुड़ को हम इस विस्कर से, ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें ये एक कप गेहूं का आटा है ये ऐड कर रही हूँ। हमारे यहाँ हर शुभ मौके पे ये गुलगुले ज़रूर बनाए जाते हैं। ये देखिए इसको मिक्स कर लेंगे। ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। ये आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर है ये, और ये इसमें मैं 2 टीस्पून सौंफ है दरदरी कुटी हुई, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ये बेकिंग सोडा है तो 1/4 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा पानी और ऐड करते हुए इसका हमें डोसे से थोड़ा सा गाढ़ा बैटर बनाना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। थोड़ा सा पानी मैं इसमें 2 चम्मच के करीब और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो बैटर है हमें समझिए केक जैसा चाहिए। जैसे केक का हम बैटर बनाते हैं उसी तरीके से, क्योंकि आज हम जिसमें इसे बनाने वाले हैं तो ये एकदम फ्लफी अंदर से जाली वाला बन के निकले। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। देखिए इस कंसिस्टेंसी का बनाना है पोरिंग। बहुत ज़्यादा पतला भी ना करें, बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो इसकी शेप बिगड़ जाती है, और गाढ़ा रखेंगे तो हार्ड बन जाते हैं। और बेकिंग सोडा हमने इसमें ऐड किया है तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जालीदार और टेस्टी बनेंगे। तो आइए अब बनाते हैं। अब हम इसके लिए अपना अपे स्टैंड तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसे बनाने के लिए देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है देसी घी से। और इस वक्त हमें जो फ्लेम है वो एकदम लो रखनी है, ताकि सारे गुलगुले हमारे एक जैसे सिकें। और देखिए इस तरीके से हम एक एक अप्पे के होल में इसे इस तरीके से डाल लेंगे। आप देख पा रहे हैं ना कि किस तरीके से मैंने इसका बैटर तैयार किया है। आधा आधा ही हम भरेंगे इसे, जो एक्स्ट्रा गिर गया है उसे हम पोंछ देंगे। चलिए सारे भर लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए सब में मैंने एक बराबर गुलगुले का बैटर इसमें भर दिया है, और अब हम इसे ढककर 1 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे, और बीच बीच में चेक कर लेंगे। ये 20 से 30 सेकेंड हो गए हैं, चेक कर लेते हैं हम इसे। ये देखिए कितने आराम से ये निकल रहे हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सेक लेंगे, और पलटने से पहले थोड़ा सा हम इसके ऊपर घी लगा देते हैं हल्का हल्का इस तरीके से। और हम इस तरीके से इसको सारा पलट लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर शेप आई है।
देखिए सारे हमने पलट लिए हैं और इस तरीके से ही हम इसको सेक लेंगे। देखिए कितनी सुंदर शेप आई है एकदम। अगर आप छोटे बच्चों को देंगे डोनट्स तो बाहर के डोनट्स तो वो कभी नहीं मांगने वाले हैं आपसे। तो चलिए इसे भी थोड़ी देर ढक के सेक लेते हैं 30 से 40 सेकंड्स, चेक कर लेते हैं एकदम बढ़िया कलर आ गया है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और सेकने की ज़रूरत है तो ऐसे पलट के हम इसे सेक सकते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे यहाँ नई दुल्हन से ये गुलगुले बनवाए जाते हैं, तो मुझे गुलगुले बनाने आते ही नहीं थे और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे चुपके से बताया कि ऐसे बनाते हैं और तब मैंने बनाया। वो दिन मुझे आज भी याद आता है। ये देखिए एकदम बढ़िया सिक गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए एकदम फूले फूले गुलगुले बनके हमारे रेडी हैं। बच्चों को आप इसे चॉकलेट सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास दो चॉइस हो गई हैं, हम तल के और बिना तले कैसे भी गुलगुले खा सकते हैं। दोनों के ही टेस्ट में आपको ज़रा भी कोई कमी नहीं लगेगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी गुलगुले बनके रेडी हुए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अभी ये गरम है, चलिए ये देखिए एकदम जालीदार गुलगुले हमारे। तो आपको कैसी लगी रेसिपी, आप अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।